गार्डन अपडेट के चौथे पार्ट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये मेरे गार्डन का लास्ट पार्ट होने जा रहा है, इसलिए मेरे साथ बने रहे। ये देखें, यहाँ पे ये मैं बीच में जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, सीजनल फ्लावर्स के सारे प्लांट्स हैं मेरे। और अब ये बस एक सप्ताह में जाने वाले हैं, तो आप देखें फिर भी इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कि मेरा मन नहीं करता। मैं रोज़ आती हूँ इसको हटाने के लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनको हटा सकूं। ये देखें, ये सारे अभी बहुत सारी इसमें कलियां भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये सारी कलियां। मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये जल्दी से ब्लूम हो जाएं, उसके बाद ही मैं इनका कुछ करती हूँ। और गेंदा भी अभी खिल रहे हैं, और यहाँ देखें आप फ्लॉक्स भी बीच बीच में सारे मिक्स एंड मैच करके लगे हुए थे। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने अपने ये दोनों DIY भी रखे हुए हैं जो मेरे को बहुत सुंदर दिखते हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यहाँ देखें। और कभी भी प्लांट लगाएं तो उनको मिक्स एंड मैच करके लगाएं। मैं बार बार कहती हूँ कि पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है, और हमारे मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है। यहाँ देखें, यहाँ मेरा एक छोटा सा मिर्ची का प्लांट है, और मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाना चाहती हूँ कि इसमें किस कदर मिर्ची, छोटी छोटी मिर्ची लगी हुई हैं। आप सोचें कि जब ये पूरी मिर्चियाँ हो जाएंगी तो इसमें मुझे लगता है कि 100-150 मिर्चियाँ एक साथ होंगी। ये छिपे हुए हैं इधर उधर, काफ़ी लंबा ब्रांच इधर उधर गया हुआ है, और आप देखें ज़बरदस्त फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब इस वजह से हैं कि आप देखें यहाँ मैंने ये सारे फ्लावर वाले प्लांट, गुलाब, दिन भर इस पर बीज रहती हैं, पॉलिनेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो और यहाँ भी देखें, छोटे छोटे से जो भी मैंने यहाँ पे ये कटिंग गुलदाबदी की ये सब लगाई हुई हैं, तो ये थोड़ा सेडी एरिया है जहाँ पे धूप कम आती है, तो ये सारे सक्सेसफुली अभी चल रहे हैं। और आप यहाँ देखें, यहाँ भी जो छोटे छोटे मेरे, ये सब भी सक्सेसफुली अभी बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। और अब सीजन आने वाला है मोगरा का, और ओलियंडर, मोगरा, जो भी चंपा, ये सब जो हमारे समर के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये मोगरा है। और इसमें भी देखें नए नए लीव्स निकल रहे हैं, और ये बर्ड, छोटे छोटे बर्ड भी आ रहे हैं इसमें, तो ये सारे गर्मियों के भी प्लांट अब चलना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ भी जो मैंने आपको रबर प्लांट देखे, कितना सुंदर स्पाइक इसका निकला है, इससे 2-3 लीव्स आराम से बन जाएंगी, निकल जाएंगी। यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे स्पाइक्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। और फिर से ये मेरा सिंगल ओलियंडर, सिंगल वाला ओलियंडर है, और मैंने जैसे डबल वाले को आप लोगों को रिकमेंड किया था, इसको भी ज़रूर लगाएं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, क्रीम कलर, ऑफ वाइट आता है, फिर रेड कलर भी आता है जो बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी बहुत हार्डी और बिना मेहनत के चलने वाले फूल हैं, और जब बिना मेहनत के और बिना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के हमें इस कदर फूल मिले और सालों भर ग्रीनरी ऐड करता है, तो क्या दिक्कत है। क्योंकि ये अपने पत्तियाँ भी नहीं निकालता, पतझड़ का जब टाइम आता है तो सारे, मैंने देखा है सभी प्लांट्स की तकरीबन लीव्स निकल जाते हैं, लेकिन ये ग्रीनरी ऐड करता रहता है थ्रू आउट ईयर। और ये देखें, ये जो मैंने आप लोगों को टोपियरी दिखाया था आपने, इसकी भी मैं प्रूनिंग करूंगी और इसको बेहतर शेप में, क्योंकि अब इसमें नए लीव्स आने शुरू हुए हैं। देखें इसके जो ये पंख बने हुए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ ये छोटा वाला है, अब जब लीव्स से भर जाएगा, ये ठंड में लीव्स इसके निकल जाती हैं, तो फिर से मैं इनको कट करके, प्रून करके इसको सेट कर दूँगी। और ये सारे सीजनल प्लांट हैं जो मेरे को हटा के, और यहाँ पे मुझे कुछ गर्मियों के प्लांट लगा देने हैं। और यहाँ देखें आप, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ फायर क्रैकर को ज़रूर लगाएं। देखें अब इसकी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, और मैंने यहाँ किनारे किनारे रखा हुआ है, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पूरे इस पे ऊपर ये लगे हुए हैं, और हिबिस्कस लगा हुआ है, ये डॉग फ्लावर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर चुका, ये इसके सीड अभी ग्रीन ग्रीन ही हैं। ये सारा मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं इस प्लांट को हटाऊँगी। ये सारे सीजनल प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऊपर में मैंने जेट प्लांट और ये सब अब फ्लावरिंग, देखें आप इसको देखें, ये कितना सुंदर है ये।
अभी बहुत सारी कलियाँ इसकी बन रही हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा फूल होता है, कभी थोड़े कम होते हैं, लेकिन अब स्टार्ट हो गया है तो ये थ्रू आउट नवंबर तक इसी तरह से खिलते रहेंगे। और इसको अगर आप किसी ऊंचे प्लेस पे लगाते हैं तो ये ज़्यादा खूबसूरती ऐड करता है, इस तरह से नीचे की तरफ लटकते हुए, तो आप हैंगिंग बास्केट में भी इसको आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ देखें कोलियस अपने आप, जो कोलियस मेरा ठंड में कुछ अजीब सा दिख रहा था, वो देखें अपने आप ही ये पूरे अपने रंगत में वापस लौटने लगे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कटिंग ले ले करके ढेर सारे प्लांट्स बना लेने हैं, और अगर फ्लावर ना भी हों तो इतने कलरफुल और इतने खूबसूरत प्लांट आपके गार्डन में लगे हुए हैं तो फूलों की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से पूरे समर ये चलते रहते हैं। और एक और मेरे व्यूअर ने मेरे से लेमन ग्रास का अपडेट पूछा था कि मैंने उसे पूरी तरह से कट कर दिया था और बोला था कि एक महीने में ये ग्रीन हो जाएगा, तो मैं अब उसे आपको दिखा देती हूँ। हाँ, आप लोग देखें कि ये एक हेज प्लांट है जिसको मैं टाइम टू टाइम कट करके इसको शेप में रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अभी पूरा शेप से बाहर आ चुका है, इसकी भी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, और ये भी पूरा ग्रीनरी ऐड करता रहता है। तो इस तरह के हेज प्लांट भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए। और यहाँ देखें फॉक्सटेल फर्न है, इसको भी मैं अलग अलग गमले में इसको निकाल के लगा, अलग अलग पार्ट में लगा सकती हूँ। और यहाँ देखें ये लेडी पाम है, और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, और टाइम आने पे इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे इससे प्लांट बन जाएंगे। काफ़ी पुराना है, 15 साल पुराना प्लांट है, आप इसके विड्थ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मेरे गार्डन के बाहर का एरिया है जिसको भी मैंने नहीं छोड़ा है, उसको भी मैंने ग्रीनरी से भर दिया है। ये मनी प्लांट है यहाँ पे, ये भी मनी प्लांट है, ये इसको बन तुलसी कहते हैं, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। ये लैंटाना का प्लांट है, आप देखें अभी ये फ्लावरिंग शुरू कर रहा है, येलो कलर का है, ये पूरे बंच में भर जाते हैं इसमें। और इसी में से एक स्टेम मैंने इसके कैलनकोई का भी लगा दिया था, वो भी अब जाने वाला है। ये शतावरी का प्लांट है, ये फिर से फाइकस की कटिंग लगाई हुई थी मैंने। और जो मैं आप लोगों को बता रही थी लेमन ग्रास का अपडेट मैं दिखाना चाह रही थी, वो है ये प्लांट, ये देखें ये पूरा ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन। मैंने इसकी काफ़ी नीचे से कटाई कर दी थी, और आप देखेंगे जब एक बार ये अपना ग्रोथ पकड़ता है तो ये बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जितना टाइम लिया है इसने बस निकलने में, ये ग्रोथ होने में टाइम लिया है, बाकी ये बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ फिर से वही मोगरा का प्लांट है, और ये मैं एक प्लांट आपको दिखाना चाहती हूँ, ये अंजीर का प्लांट है, ये छोटा सा अंजीर का प्लांट है, और आप इसके लीव्स देखें काफ़ी हेल्दी और ग्राफ्टेड वैरायटी का प्लांट है। ये बहुत न्यू प्लांट है मेरे लिए, और मैं देखती हूँ कि कैसे डेवलप करता है और कैसे चलता है। तो ये था मेरे पूरे गार्डन का अपडेट, क्योंकि आप लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि मुझे पूरा गार्डन दिखाइए, पूरा गार्डन दिखाइए, इसलिए मैंने टाइम लेके आप लोगों को पूरा गार्डन दिखा दिया। मुझे मैंने इसे 4 पार्ट में दिखाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बोला है इसमें। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप, आपका फिज़िकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि ये जस्ट लाइक हमारे बच्चों की तरह है, जिनको हम रोज़ केयर करते हैं, जिनकी रोज़ मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, और हम फिजिकली तो फिट होते ही हैं, हमें किसी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिटरली, अगर मेरी माँ ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके भी आप मॉर्निंग में, आपको कोई हैवी वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, आपको इतनी सारी चीज़ें नेचर आपको देगा कि लाइफ बहुत ईजी फील होता है। आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, कभी भी मुझे किसी तरह का तनाव होता है, मैं एक बार अपने पूरे प्लांट के साथ, मुझे तो लिटरली मैं बात करती हूँ अपने प्लांट के साथ, मुझे सब पता होता है कि कहाँ किस प्लांट को किस चीज़ की नीड है। और आप मेरा यकीन माने कि ये बेहतरीन थेरेपी कह सकती हूँ मैं इसे, आपके मेंटल, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए। इसलिए
जहाँ भी जितनी ही जगह अवेलेबल है और जितने ही रिसोर्सेज, कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, सिर्फ हमें थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपना पैसन बनाएं और हमें मल्टीपल बेनिफिट खुद को होने लगेगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितना बेनिफिशियल है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर कोई गार्डनिंग करे, हर कोई प्लांट से जुड़े, और जिनको इंटरेस्ट नहीं भी है, अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, जब आपको इसका बेनिफिट दिखने लगेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि सही में ये कितना बेनिफिशियल है। मेरे गार्डन के अपडेट में मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। लीव नेचर, लव नेचर।